वेलकम टू एजेंट प्राइवेट लिमिटेड। आज की इस क्लास में हम मैथ इंस्ट्रक्शंस को समझेंगे। मैथ इंस्ट्रक्शंस के अंदर सबसे पहले हम आज एडिशन और सब्ट्रैक्शन दो इंस्ट्रक्शन इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एडिशन, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये ऐड का ब्लॉक है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो इसके अंदर इंस्ट्रक्शन के अंदर दो इनपुट होते हैं और एक आउट, यानी कि इन वन प्लस इन टू ये रिजल्ट निकाल के देता है आउट, यानी कि आउट इक्वल टू इन वन प्लस इन टू, ये हमारा इस इंस्ट्रक्शन का रिजल्ट होता है। दूसरा सब्ट्रैक्शन आज की क्लास में यूज करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन में भी दो इनपुट हैं और एक आउटपुट है, यानी कि आउट इक्वल टू आई एन वन माइनस आई एन टू, ये इसका रिजल्ट होता है। यानी कि दो ये इंस्ट्रक्शन है। इन इंस्ट्रक्शन को हम समझेंगे कैसे ये हमारे प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल हो सकते हैं। तो सबसे पहले, जैसे कि हम ये मान लेते हैं कि कोई डिजिटल लेवल स्विचेज हैं, जो एक पैरेलल लेवल स्विच आएगा तो कुछ हमको एनालॉग वैल्यू बनानी है, यानी कि हमें डिजिटल सिग्नल से एनालॉग बनाना है, तो हम उसको बना सकते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए, सपोज हम चार लेवल स्विच ले लिए, L1, L2, L3, L4। जब पहला लेवल आ जाएगा तो टैंक लेवल की वैल्यू वो 25 दिखा दे, और अगर हमारी दूसरा लेवल आ जाए तो 50, तीसरा लेवल आए 75, एंड चौथा लेवल अगर आ जाए तो ये 100 दिखा दे, तो इसको बना सकते हो। वहीं अगर हमारा लेवल कम होना शुरू हो जाता है, अगर लेवल चार आ गया और चार फिर चला गया, फिर तीन चला गया, फिर दो चला गया, फिर एक भी चला गया, तो ये वैल्यू सेम टाइम पे सब्ट्रैक्ट करते हुए भी आनी चाहिए। तो इस तरह के प्रोग्राम के अंदर हम इसको डिजिटल से एनालॉग बना सकते हैं, यानी कि डिजिटल चार लेवल स्विच लगे हैं अलग अलग पोजीशन पर, उन डिजिटल से हम एनालॉग टैंक लेवल कैसे बनाएंगे उसको यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक टैंक लेवल ले लेता, इसका लेवल मान लेते हैं L1, L1 नाम दे दिया, L1 आएगा तो हम यहाँ पर एक लेवल मान लेते, टैंक लेवल लिख सकते हैं, टैंक लेवल लिख दिया मैंने। जब हमारा पहला स्विच आएगा L1, तो इसमें हमें कोई फैक्टर डाल सकते हैं, मान लीजिए K1 की वैल्यू मैं यहाँ पर 25 दे दूंगा, तो L1 आएगा तो L1 में टैंक लेवल यहाँ से कॉपी करेंगे और आउट में भी दे देंगे, यानी कि ये L1 में K1 की वैल्यू को ऐड करके स्टोर कर लेगा टैंक लेवल में। और अगर यही लेवल चला गया, अगर यही लेवल चला गया तो वापस ये सब्ट्रैक्ट कर लेगा, यानी कि यहाँ से L1 को कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे और इसको NC बना देंगे। अब लेवल अगर आ जाता है तो सेम चीज, यही चीज टैंक लेवल K1 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। एक बार ये हम डिफाइन कर लेते हैं टैग, टैग डिफाइन हो गए, L1 रह गया, L1 नहीं लेगा, या LE1 कर देते हैं, LE1, और इसको डिफाइन कर देते हैं, ये LE1 हो गया, यहाँ पर भी LE1 हो जाएगा। जब भी पहला लेवल आएगा, यानी कि लेवल 1 आएगा, तो इसके अंदर 25 ऐड हो जाएगा, और अगर लेवल चला गया तो 25 फिर से कम कर लेगा। ये एक हो गया, इसके अंदर हम एक ट्रिगर भी लगाएंगे, यानी कि इसको एक ही पल्स देनी है, पल्स देने के लिए हम ट्रिगर बिट को लगाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ से एक ट्रिगर लेंगे और यहाँ डिफाइन कर देंगे, ऐसे ही इसमें भी एक ट्रिगर डालना है, तो ये ट्रिगर 2 डाल देते हैं या 2। अभी ये एक बन गया, इसके बाद हम इसको कॉपी और पेस्ट करेंगे और लेवल 2 के लिए बनाएंगे LE2। अगर दूसरा लेवल पर पहुंच गया, अगर दूसरा डिजिटल लेवल हमको मिल गया, ये DR3 हो जाएगा, तो फिर से ये ऐड करेगा, और अगर LE2 चला गया तो फिर से ये सब्ट्रैक्ट करेगा। उसके बाद इसको कॉपी और पेस्ट करेंगे, तीसरा लेवल ले लेते हैं LE3, यहाँ पर TR5 आ जाएगा और यहाँ TR6 आ जाएगा, ये सेम रहेगा। इसको डिफाइन कर देते हैं, टैग को डिफाइन करेंगे, ये हमारे तीन लेवल हो गए। एक लेवल और ले लेते हैं कॉपी, तो जैसे मान लीजिए डिजिटल 4 नंबर पोजीशन पे आ गया, ये LE4 बन गया, यहाँ पर TR7 और ये हो जाएगा TR, ये बना दिया। इसको एक बार डिफाइन कर देंगे, टैग को डिफाइन कर देंगे, तो ये एक हमने सिंपल यहाँ पर लॉजिक बना दिया है। और अगर कोई लेवल नहीं आ रहा है
तब हम एक नेटवर्क यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। अगर कोई लेवल नहीं आ रहा है, चारों में से कोई लेवल नहीं आ रहा है, यानी कि LE 1 भी नहीं आ रहा और LE 2 भी नहीं आ रहा और LE 3 भी नहीं आ रहा और LE 4 भी नहीं आ रहा है, तब हम इस लेवल में मूव करा देंगे 0 MOV और इसके अंदर 0 लेंगे और टैंक लेवल में 0 मूव करा देंगे। तो ये लॉजिक एक हमारा यहाँ पर बन गया है। इसको एक बार डाउनलोड कर लेते हैं, ऑनलाइन करेंगे और इसकी टैग टेबल भी हम यहाँ पर ऑन कर लेंगे ताकि सारे टैग यहाँ पर दिखाई दे जाए। इसको एक बार मॉनिटर करेंगे। अभी के केस में यहाँ पर भी टैंक लेवल आपको दिखाई देगा, ये रहा, ये 0 दिख रहा है। अभी K1 की वैल्यू अभी कुछ नहीं पड़ी है, इसको डाल लेते हैं। मान लीजिए मैं 25 डाल देता हूँ। अब ये लॉजिक हमारा कैसे काम करेगा, पहले नेटवर्क में लिखा, जैसे ही पहला लेवल स्विच आएगा तो इसके अंदर 25 ऐड हो जाएगा और अगर दूसरा आ गया तो 50 हो जाएगा, यानी कि 25 फिर से ऐड हो जाएगा और तीसरी आएगा तो फिर से 25 ऐड हो जाएगा और चौथा आएगा तो फिर से 24 ऐड हो जाएगा। तो ये एक तरह से 25, 50, 75 और 100 तक जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं पहले लेवल को LE1 को यहाँ पर एक बार ट्रू करता हूँ, तो जैसे हमने किया है तो ये लेवल की वैल्यू यहाँ पर 25 दिखा रहा है। यहाँ पर भी आप देख पाएंगे ये 25 दिखा रहा है, यहाँ पर आप देख पाएंगे ये लेवल 1 आ चुका है। उसके बाद अगर हम लेवल 2 को ऑन कर देते हैं तो यहाँ पर हम लेवल 2 को ऑन करेंगे, तो लेवल 2 जैसे ही ऑन किया तो इसकी लेवल की वैल्यू 50 दिखा रहा है, यहाँ भी आप देख पाएंगे 50 दिखा रहा है। उसके बाद जैसे ये लेवल 3 आएगा तो ये 75 हो जाएगा। जैसे मैं लेवल 3 को भी ऑन कर दिया तो यहाँ पर ये लेवल आप देख पा रहे हैं, लेवल 75 हो गया। यहाँ भी टैग देख पाएंगे, लेवल 75 हो गया। अब अगर एक चौथा अभी लेवल स्विच अगर ऑन हो गया तो ये 100 दिखा दिया, ये 100 दिखा दिया, जैसे कि आप देख पाए। अब अगर एक एक करके जैसे लेवल 100 तक चला गया, लेवल स्विच, चारों लेवल स्विच ने इंडिकेशन दे दी है अपने डिजिटल, तो ये एनालॉग में 100% दिखाने लगा। अब अगर लेवल नीचे जाता है तब सबसे पहले हमारा लेवल LE4 फॉल्स होगा, यानी कि लेवल स्विच 4 नंबर फॉल्स होगा। अगर ये फॉल्स होता है, जैसे ये फॉल्स होगा ये 75 दिखा देगा। उसके बाद जब लेवल और नीचे जाएगा तो LE3 फॉल्स हो जाएगा, तो जैसे ये सब फॉल्स होगा ये 50% आ गया। उसके बाद जैसे ही उसके बाद लेवल 2 फॉल्स होगा तो जैसे ये फॉल्स होगा तो ये 25 आ गया। और फिर अगर लेवल 1 भी चला गया, यानी कि लास्ट लेवल भी चला गया, तो ये 0 हो जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह से हम ऐड और सबट्रैक्ट को अपने लॉजिक के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने मैथ इंस्ट्रक्शन के 2 इंस्ट्रक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन को डिस्कस किया। तो इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम से मिल सके। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।